उत्तराखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम सेशन 2024 ऐसे तमाम स्टूडेंट जो यहाँ पे हेमवंती नंदन बगड़ा गढ़वाल यूनिवर्सिटी की बात करें, सिरदी सुमन यूनिवर्सिटी की बात करें, सोवन सिंह जिन्ना यूनिवर्सिटी की बात करें, कुमाऊं यूनिवर्सिटी की बात करें, एंट्रेंस एग्जाम 2024 का पेपर देना चाह रहे हैं। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले स्टूडेंट, अगर आपने वीडियो मिस कर ली या स्किप कर ली तो काफ़ी बड़ा लॉस आपका होगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट क्या गलती कर लेते हैं, स्टूडेंट बीएड एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, एडमिशन भी ले लेते हैं, लेकिन जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम जॉब के बाद यहाँ पे बात करते हैं उत्तराखंड में जब फॉर्म आता है तो वहाँ पे वो फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं, तो उसी के संबंध में वीडियो रहने वाली है। साथ ही साथ में सीटेट यूटेट के रिगार्डिंग भी इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से आप उत्तराखंड में एलटी टीचर बन सकते हैं। और ध्यान देना स्टूडेंट, ऑलरेडी मैंने हेमवंती नंदन बगड़ा गढ़वाल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म आ चुका है, वीडियो के लास्ट में उसका लिंक आपको मिल जाएगा कैसा कैसे आपको फॉर्म भरना है। और ध्यान देना स्टूडेंट, ऑलरेडी मुझे जैसे मैंने काफ़ी वीडियोस में कहा है, मुझे 2 से लेकर 3 साल तक का एक्सपीरियंस है, तो ऑलरेडी उत्तराखंड बीएड टारगेट ग्रुप 2024 बन चुका है आपके प्रिपरेशन पीवाईक्यू के लिए। और हर अपडेट के लिए नंबर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे स्टूडेंट, आपको नॉर्मली उस पर मैसेज करना है। हर अपडेट, हर पीवाईक्यू और नोट्स आपको प्रोवाइड इस ग्रुप में होंगे, तो ग्रुप में जुड़ना मत भूलना। तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट से रिलेटेड डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, आप देख रहे होंगे आगे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस होने वाली स्टूडेंट, हर सब्जेक्ट में इस वीडियोस में कवर करूंगा। तो सबसे पहले ध्यान देना स्टूडेंट, अब है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस प्रकार से होता है, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे, ध्यान से देखना है। सबसे पहले मैं बात करूंगा सामान्य अध्यापक सामान्य, ठीक है, सामान्य मैंने बोल दिया SST वाले, ठीक है, जो स्टूडेंट SST का टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी है। देखो यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर रखा है, यहाँ पे ध्यान देना, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से भूगोल, भूगोल को बोलते हैं आप ज्योग्राफी, अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स और राजनीतिक शास्त्र मतलब पॉलिटिकल साइंस एवं इतिहास, इतिहास का मतलब आपके हो गए हिस्ट्री, जिन स्टूडेंट के पास यूजी में, ध्यान से सुनना, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया और हिस्ट्री है, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपकी होनी चाहिए। साफ साफ यहाँ पे लिख रखा है किन्हीं 2 विषयों में स्नातक उपाधि की है तो हो स्टूडेंट किस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल है SST के लिए। अब ध्यान से देखना स्टूडेंट, अगर आपने यूजी में ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री पढ़ी है, इन चारों में से 2 सब्जेक्ट आपके पास यूजी की है, देन आप इस बार बीएड एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरना, अदरवाइज आपका फॉर्म भरना बेकार है, ठीक है, उत्तराखंड के लिए बोल रहा मैं। इनकेस काफ़ी कल एक लड़की का मैसेज आया था, उसकी जो सब्जेक्ट थी 12th में सोशोलॉजी थी, ठीक है, जिसकी सोशोलॉजी सब्जेक्ट है वो यहाँ के लिए एलिजिबल नहीं है LT में, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, LT में यहाँ के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन इनकेस अगर वो LT का मतलब इनकेस वो बीएड करना चाह रहा है चाह रही है तो ऐसी कंडीशन में क्या है, उसे यहाँ पे मास्टर्स करना होगा, ठीक है, मास्टर्स जो सब्जेक्ट है उसकी, फॉर एग्जाम्पल के लिए उस लड़की की सब्जेक्ट थी हिस्ट्री और सोशोलॉजी, ठीक है, तो LT के लिए तो एलिजिबल नहीं है, लेकिन वो मास्टर्स प्रोग्राम यहाँ पे MA करेगी हिस्ट्री से, देन वो लेक्चरार पोस्ट के लिए एलिजिबल है, ठीक है। लेक्चरार में नॉर्मली आपका मास्टर्स और बीएड मांगा जाता है, ठीक है, इसमें यूजी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता, इस चीज़ का ध्यान रखना, जो लेक्चरार की सब्जेक्ट रहती है उसमें आपका मास्टर्स और बीएड आपसे मांगा जाता है। लेकिन अगर आप आउट ऑफ उत्तराखंड, जैसे कि उत्तराखंड से बाहर आप दिल्ली की बात करें, DSSSB की वैकेंसी आती है, जो दिल्ली के टीचर अगर आप बनना चाहते हैं, DSSSB वैकेंसी आती है, और साथ ही साथ NVS की जो वैकेंसी आती है वहाँ पर आप एलिजिबल हो, वहाँ पर ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका चल जाएगा सोशोलॉजी का, ठीक है। लेकिन उत्तराखंड के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखना, आपकी जो सब्जेक्ट होनी चाहिए 2 सब्जेक्ट आपकी मैंडेटरी, आप मान के चलो यूजी में या तो ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स हो या इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस हो या पॉलिटिकल हिस्ट्री हो, इस तरीके से कॉम्बिनेशन आपका होना चाहिए, देन आप LT SST पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। यहाँ पर डाउट हो गया क्लियर? हेलो, मेरी साउंड आ रही है आपको? हेलो, आ रही है ना मेरी आवाज? कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा, आ रही है? हाँ, सेकंड वैकेंसी की हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे सहायक अध्यापक / अध्यापिका गणित, तो देखो मैथमेटिक्स के लिए नॉर्मली एलिजिबल क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है आपकी 2 सब्जेक्ट होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, लेकिन कोई कहीं कहीं क्या होती है 2 सब्जेक्ट कंबाइंड होती है किसी किसी कोर्स में, तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन करें कि आपकी 2 सब्जेक्ट मैंडेटरी होनी चाहिए, एक मैथमेटिक्स, एक फिजिक्स, यहाँ पे साफ साफ लिखा है, गणित एवं भौतिक विज्ञान आपकी ग्रेजुएशन में कंपलसरी होनी चाहिए, यहाँ पे साफ साफ मेंशन करें। अगर आपके पास 3री सब्जेक्ट केमिस्ट्री के अलावा कोई दूसरी सब्जेक्ट है तभी भी आप इस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल है, लेकिन आपकी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल में मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों होना कंपलसरी है, ठीक है, सिर्फ इतनी एलिजिबिलिटी है मैथमेटिक्स टीचर के लिए। थर्ड यहाँ पे आप देख रहे होंगे सहायक अध्यापक / अध्यापिका विज्ञान,
देखो प्रीवियस ईयर में क्या हुआ था, एक लड़की ने बीएड कर दिया था, लेकिन जब वो इस बार एलटी का फॉर्म भर रही थी तो एलटी फॉर्म नहीं भर पा रही थी। क्यों नहीं भर पा रही थी, इसका रीजन क्या था, यहाँ पे ध्यान देखना। यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर रखा कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विद्यालय में, देखो पहली सब्जेक्ट आपकी केमिस्ट्री होगी, दूसरी सब्जेक्ट क्या होगी, यहाँ पे देखो जूलॉजी, और तीसरी सब्जेक्ट आप देख रहे होगी बॉटनी। ये तीनों सब्जेक्ट होना जरूरी है, लेकिन उसके यहाँ पे जूलॉजी की जगह दूसरी सब्जेक्ट थी। ठीक है, यहाँ पे देखना, ध्यान से देखना। देखो पीसीएम में था आपका सिर्फ दो सब्जेक्ट मांग रखा, मैथ्स और फिजिक्स, लेकिन जो अगर आप साइंस के जो टीचर बनना चाहेंगे तो आपके पास केमिस्ट्री भी होनी चाहिए, जूलॉजी भी होनी चाहिए, बॉटनी भी होनी चाहिए, तीनों सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, देन आप सहायक अध्यापक विज्ञान उब्लिक विज्ञान विज्ञान मतलब साइंस के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, चौथी पोस्ट की यहाँ पे बात करेंगे हिंदी के लिए। देखो हिंदी में भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है, ध्यान से देखना। यहाँ पे मेंशन कर रखा है हिंदी में क्या होना चाहिए। यहाँ पे देखो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य जो अंतिम वर्ष तक अनिवार्यता रहा हो, कहने का मतलब हिंदी सब्जेक्ट आपकी फर्स्ट ईयर में भी हो, सेकेंड ईयर में भी हो, फाइनल में भी हो, और यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर रखा है कि आपके पास इंटर में संस्कृत विषय हो। अगर आपके पास संस्कृत नहीं है तो इस कंडीशन में आपके पास ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट संस्कृत होने जरूरी है, तब तभी आप हिंदी के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, अगर इन केस आपके पास ट्वेल्थ में संस्कृत आपने नहीं की है और यूजी में आपने संस्कृत की है, तभी भी आप सहायक अध्यापक हिंदी उब्लिक सहायक अध्यापिका हिंदी के लिए एलिजिबल हो। ठीक हो, अब दूसरी सब्जेक्ट की यहाँ पे बात करते हैं संस्कृत की। ठीक है, संस्कृत के लिए कौन एलिजिबल है, संस्कृत के लिए साफ साफ मेंशन कर रखा है कि ग्रेजुएशन में आपकी संस्कृत की सब्जेक्ट होनी चाहिए और इंटरमीडिएट में भी आपके साथ हिंदी विषय कंपलसरी होनी चाहिए संस्कृत के साथ। ठीक है, देन आप सहायक अध्यापक संस्कृत के लिए एलिजिबल हो। अब यहाँ पे उर्दू तो खैर नॉर्मली किसी की रहती नहीं है, अब इंग्लिश में देखना। आप इंग्लिश में सिर्फ मेंशन कर रखा है कि आपकी जो इंग्लिश सब्जेक्ट हो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और फाइनल में होनी चाहिए, इसके साथ दूसरी कोई भी सब्जेक्ट हो चल जाएगी, यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर रखा। ठीक है, इंग्लिश के साथ कॉम्बिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे देखना सहायक अध्यापक कला, जो ड्राइंग का टीचर बनना चाहते हैं, यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर रखा है ड्राइंग आपकी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और फाइनल में होनी चाहिए। ठीक है, और जो फिजिकल एजुकेशन के टीचर बनना चाहते हैं शारीरिक शिक्षा के लिए, उनके पास यहाँ पे देखो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्व स्नातक, आपने चाहे बीए किया हो बीएससी किया हो आप एलिजिबल हो, लेकिन आपके पास इसके लिए कोर्स होता है, जैसे आप बीएड कर रहे हैं ना स्टूडेंट, हेलो मेरी साउंड आ रही है आपके लिए, हाँ जैसे बीएड आप कर रहे हैं ना वैसे कोर्स होता है बीपीएड। आपने देखो होगा आप एचएनबी का जब एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म भर रहे होंगे तो वहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा बीपीएड का। ठीक है, बीपीएड का ऑप्शन आ रहा होगा, तो इस कोर्स के लिए आपको बीपीएड करना पड़ता है। हाँ बीपीएड डिप्लोमा होता है, जैसे आपका बीएड होता है ना सेम यहाँ पे बीपीएड होता है, इसके लिए आपको बीपीएड करना पड़ेगा, देन आप सहायक अध्यापक फिजिकल एजुकेशन के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, बाकी संगीत के लिए तो खैर होगा नहीं, मुझे नहीं लग रहा आप में से कोई होगा ग्रुप में संगीत के लिए, बाकी होम साइंस वाले देख लेना। होम साइंस में क्या है, होम साइंस वाले भी स्टूडेंट जुड़े हुए ग्रुप में, उनके ग्रेजुएशन में होम साइंस होनी चाहिए। देखो होम साइंस बीएससी वाले भी भर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बीएससी भी होती है, बीएससी इन होम साइंस होते हैं, वो भी स्टूडेंट एलिजिबल है, बस आपकी ग्रेजुएशन में होम साइंस सब्जेक्ट होनी चाहिए। अब कॉमर्स में देखो, कॉमर्स में पूछ रहे थे बच्चे कि सर इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का कोई लफड़ा है, तो ध्यान रखना इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का कोई लफड़ा नहीं है, इसमें सिर्फ ग्रेजुएशन में आपके पास कॉमर्स होनी चाहिए बस, और इसके साथ साथ बीएड बीएड सेकेंड ईयर में होंगे। ठीक है, अब जैसे देखो मैं एक चीज बता दे रहा हूँ आपको, पहले मैं क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, जो एचएनबी वाले स्टूडेंट है ध्यान देना, जो एचएनबी से बीएड करेंगे उनका है, जो बीएड पैटर्न है आपका वो आपका सेमेस्टर सेमेस्टर वाइज होगा। ठीक है, चार सेमेस्टर आपके होंगे। ठीक है, ध्यान से देख ध्यान से सुनना। और जो सिरदेश सुमन वाले हैं उनका ईयरली मोड पे बीएड होगा। ठीक है, जो सिरदेश सुमन यूनिवर्सिटी से करने चाह रहे हैं उनका ईयरली मोड पे होगा, दोनों के ईयर सेम है, यहाँ पे फोर्थ सेमेस्टर है, यहाँ पे दो साल का बीएड है। ठीक है, ईयर आपका दो साल का बीएड होता है। ठीक है, जब आप सेकेंड ईयर में होंगे, कहने का मतलब होंगे एचएनबी में आप थर्ड सेमेस्टर में होंगे और सिरदेश सुमन में आप सेकेंड ईयर में होंगे। ठीक है, जब सेकेंड ईयर में आपका एडमिशन होगा उस समय आपको सीटेट या यूटेट का पेपर देना है। ठीक है, सीटेट यूटेट सेकेंड का पेपर देना है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट एलिजिबिलिटी, ध्यान देना, आपको ये एंट्रेंस ये टेस्ट होता है आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट टीचिंग के लिए, इसमें आपको सिर्फ इस पेपर को पास करना होता है। ठीक है, अगर आपकी कैटेगरी जनरल है, ध्यान से देखना, अगर आपकी कैटेगरी जनरल है, जनरल या ईडब्ल्यूएस, देन आपको 90 मार्क्स आउट ऑफ 150 में से लाना होगा। ठीक है, तभी आप एलटी एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। ध्यान से सुनना, जो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट वाले हैं और जो कैंडिडेट ओबीसी वाले हैं, चाहे ओबीसी वालों की बात करें, एससी की बात करें, एसटी की बात करें, ठीक है, मैं सीटेट यूटेट की बात कर रहा हूँ, पहले मैं सीटेट की बात कर रहा हूँ, सीटेट में जो एलिजिबिलिटी है आपकी 82 मार्क्स होने चाहिए आउट ऑफ 150। ठीक है,
तभी आप इलिजिबल होंगे एलटी फॉर्म भरने के लिए, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। बाकी जो बाकी हम कैटेगरी बाकी हम बात करेंगे यूटेट की, ठीक है। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने स्टूडेंट, सीटेट यूटेट क्या है, तो सीटेट का अगर आप पेपर देते हैं तो आप जितने भी फॉर्म ऑल इंडिया में आएंगे टीजीटी के लेवल के, ठीक है, ध्यान से सुनना, टीजीटी लेवल के जो रहते हैं, अगर आपका सीटेट सेकंड क्लियर है, जितने नंबर मैंने बताया कि जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 90, 90 प्लस, 90 से ऊपर कितने भी मार्क्स लाओ या 90 लाओ, देन आप इस मतलब सीटेट के लिए क्वालिफाई हो, ठीक है। अगर आपने इतने मार्क्स ला दिए, और जैसे ओबीसी एससी एसटी के लिए मैंने बता दिया कि 82 मार्क्स ला दिए, अबव ला दिए, फिर उस बेस पर आप सीटेट ऑल इंडिया पे जितनी भी वैकेंसी आती, चाहे वो एनवीएस की बात करें, नवोदय से रिलेटेड हो गया, आपकी DSSSB दिल्ली से रिलेटेड हो गया, बिहार के हो गए, अदर स्टेट में जितनी भी वैकेंसी आती है वहाँ के लिए आप एलिजिबल हो सीटेट के बेस पे। लेकिन ध्यान देना, अगर आप यूटेट यहाँ पे देख रहे होंगे ना, ऑब्लिक यूटेट सेकंड आपका उत्तराखंड का टेस्ट होता है, ठीक है, उत्तराखंड जो बोर्ड होता है, उत्तराखंड का बोर्ड है वो ये कंडक्ट कराती है यूटेट। इसमें थोड़ा सा पासिंग मार्क्स कम है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी है तो आपको सिर्फ 75 नंबर उत्तराखंड के लिए लाना पड़ेगा, ठीक है। इस बेस पे अगर आप यूटेट क्वालिफाई करेंगे यूटेट सेकंड, तब सिर्फ आप उत्तराखंड का ही फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं, उत्तराखंड एलटी का, ठीक है ये।